नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताते चले, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। माइकल लोबो ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। मेरे साथ ही अरुणिल ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। जी अरुणिल, देखने गए तो जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, चार बीजेपी के जो एमएलए है उन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया है। उनमें से माइकल लोबो एक बड़ा नाम माना जा सकता है, क्योंकि वो मिनिस्टर थे अभी के प्रमोद सावंत गवर्नमेंट में, और उन्होंने इनफैक्ट क्रिटिसाइज भी किया है अभी के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को, ये बोलते हुए कि जिस तरीके का काम और विश्वास मनोहर पर्रिकर जी ने जुटाया था वो प्रमोद सावंत नहीं कर पा रहे हैं, उस पर वो असफल रहे। और बाकी तीन नाम इसमें अलीना सल्डाना जिन्होंने आप ज्वाइन किया है, कार्लोस अल्मेदा जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, माइकल लोबो भी खुद भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं 4 बजे, ऐसी बात की पुष्टि हमें मिली है गोवा सोर्सेस से, गोवा कांग्रेस सोर्सेस से। और एक प्रवीण जानकी जो कैशो किंग माने जाते हैं और जो बेसिकली किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे इसकी पुष्टि उन्होंने अभी तक नहीं की है, बट उन्होंने भी बीजेपी का हाथ छोड़ दिया है। ये काफी एक्सपेक्टेड लाइंस को भी माना जा सकता है, क्योंकि जो बीजेपी की संसावन सरकार बनी थी वो बाद में बनी थी, कांग्रेस को ज्यादा वोट्स मिले थे, ज्यादा एमएलए कांग्रेस के थे, पर बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए अपनी तरफ लेटर ऑन खींच लिए थे और सरकार बनाई थी। तो अभी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद काफी लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। ठीक है अरुणिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चुनाव के एन वक्त पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ठीक उसी समय पर बीजेपी के चार ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी को झटका देते हुए इस्तीफा दे दिया है, और कई ऐसे बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं जो कि आज कांग्रेस में भी शामिल होने वाले हैं।